Assalamu alaikum, my dear students of class 9th. Hope you will be fine. Today our topic is the decision makers part 2 from the chapter working institutions from your political science textbook. Dear students, so before a decision is taken by the joint secretary to implement the 27% of reservations of the jobs in the Indian recruitments. जैसा कि आपने पहले ही पढ़ा, इस टॉपिक में जो डिसीजन मेकर्स होते हैं या जॉइंट सेक्रेटरीज होते हैं वो कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं जो ये रिजर्वेशन होती है, 27% जो होते हैं लोग सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड्स इन द इंडियन रिक्रूटमेंट, यानी इस भर्ती में जो इंडिया में भर्ती मुहिम होती है इसमें कैसे जो रिजर्वेशन पोस्ट्स होते हैं उनके लिए 27% रिजर्वेशन कैसे रखी जाती है. इट वॉज फर्स्ट थॉरोली डिस्कस्ड इन द लोकसभा, यानी पहले ये लोकसभा में डिस्कस होते हैं. देन इट इज बीन अप्रूव्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड फॉर्मली वेंट टू द नोटिस ऑफ द प्रेजिडेंट. ये पहले अगर ये ज्वाइंट सेक्रेटरी जो होते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं, तो पहले ये कहाँ पे जाता है, कहाँ पे डिस्कस होता है, लोकसभा में. और फिर जो होता है लोकसभा, जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके पास जाता है, मतलब ये डिसीजन. फिर जो हेड ऑफ द जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, और फॉर्मली ये जाता है नोटिस, किसकी नोटिस में, प्रेसिडेंट की नोटिस में. आफ्टर ही कन्फर्म्स दैट यस इट कैन बी डन, देन ओनली द सेक्रेटरीज कैन इशू दीज ऑर्डर्स. तो उसके बाद जब प्रेसिडेंट भी, प्राइम मिनिस्टर भी, लोकसभा में भी ये जाते हैं, उसके बाद जब ये कन्फर्म होके आते हैं फिर ये इशू होते हैं ये ऑर्डर्स. Dear student, so it was not the event which took on the day of 30th August 1990, but it was a culmination of many series of events which happened prior to this. यानी इससे पहले भी यही एक वाका, यही एक इवेंट रोनुमा नहीं हुआ जो 30th August 1990 में हुआ, इससे पहले भी बहुत सारे जो इवेंट्स उनका खात्मा हुआ. Which happened prior to this, यानी इससे पहले भी और सारे जो इवेंट्स वो रोनमा हुए. It actually starts its journey on 1979. ये जो जॉब रिजर्वेशन की बात चल रही है, 27% ऑफ रिजर्वेशन, ये कब, इसकी जर्नी कब से शुरू हुई, 1979 में. The government has set up a commission called the Mandal Commission. Government ने एक commission set किया था, बनाया था, और उस commission का नाम था Mandal Commission. Popularly, this is actually the second backward classes commission. In order to uplift the backward community people, what are the necessary steps that has to be taken to upgrade this particular community people, यानी कैसे इनको अपग्रेड किया जाए, जो ये बैकवर्ड क्लास के लोग होते हैं, जो मतलब पिछड़े तबके से लोग होते हैं, उनको कैसे तरक्की दी, इसके इन मतलब जो लोग इस कम्युनिटी से वाबस्ता है उनको कैसे इम्प्रूव किया जाए या उनको कैसे अपग्रेड किया जाए, बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए. पीपल वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कमीशन, और जो लोग इस कम्युनिटी से वाबस्ता थे वही मेन ऑब्जेक्टिव थे. एंड द मेन मेंबर ऑफ द चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन इज बीपी मंडल, और जो इस कमीशन का मेन मेंबर, जो चेयरमैन था वो था बीपी मंडल. That is the reason why it is popularly known as Mandal Commission. यानी Mandal Commission क्या चाहता था कि कैसे इन लोगों को तरक्की दी जाए, उनको इम्प्रूव किया जाए, उनको मतलब अपलिफ्ट किया जाए, तो वो कमीशन था
उसका चेयरमैन था बीपी मंडल और उसी के नाम से इस कमीशन का नाम रखा गया मंडल कमीशन। डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर थॉरली स्टडिंग द केसेस एंड द कंडीशंस ऑफ द सोशली एंड द इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस पीपल, द कमीशन हैज रिकमेंडेड सर्टन रिकमेंडेशंस, यानी बहुत सारे इसने रिकमेंड किए रखे हैं, बहुत सारे एडवाइसेस रखे हैं इसमें इन लोगों को, इनकी मतलब जो इनकी केसेस हैं, इनकी कंडीशंस हैं मद्देनजर रखकर जो ये कमीशन है उसने बहुत सारी सिफारिशात लागू किए हैं। द मेजर रिकमेंडेशन अमंग देम वाज अलॉटिंग एंड गिवन 27% ऑफ रिजर्वेशन, यानी यही जो सबसे ज्यादा जो सिफारिश इनके लिए थी वो थी इनको अलॉट करना था या इनको देना था 27% ऑफ रिजर्वेशन। किन के लिए? फॉर द सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस पीपल। दिस वॉज गिवन इन 1980s, यानी उस वक्त ये लागू हुआ था। सो वॉट हैपेंड आफ्टर दैट, बिकॉज वी हैव सीन द मेमोरेंडम कमिंग इन 1990। जैसा कि हमने पढ़ा जो ऑफिस मेमोरेंडम था वो कब हमने पढ़ा, यानी कब वो ऑफिशियल बना, 1990। सो इन 1979 द कमीशन वॉज सेट अप। 1979 में जो कमीशन था ये बन गया उस वक्त 1979 में। द मेमोरेंडम कम केम ऑफिशियल इन 1990, यानी 1979 से लेकर ये ऑफिशियल ऑर्डर बन गया 1990 में। व्हाई इट टुक सच अ लॉन्ग टाइम, लेट अस फाइंड आउट। लेट अस फाइंड आउट डियर स्टूडेंट्स, क्यों इसको इतना वक्त लग गया, इसने क्यों इतना वक्त ले लिया, देखेंगे। नाउ एज वी डिस्कस द अर्लियर द डेट ऑफ 30th August 1990 व्हेन द लोकसभा इलेक्शन हैज कम आउट, द इलेक्शन मैनिफेस्टो ऑफ जनता दल पार्टी मेंशन दैट इफ वी कम टू पावर, इफ वी विन द इलेक्शन वी विल डेफिनेटली इम्प्लीमेंट द मंडल कमीशन। जो ये मंडल कमीशन बन गया था 1979 में सेट अप हो गया, तो जो जनता दल पार्टी थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने यकीन दिलाया कि अगर हमारी पार्टी जीत जाती है या हम इलेक्शन में अगर हमारा पावर आता है इलेक्शन में, तो हम इसको डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करेंगे, इस मंडल कमीशन को, जो चाहता था भलाई सोशली एंड बैकवर्ड क्लास पीपल, लोगों के लिए। रिपोर्ट ऑन द रिकमेंडेशन एंड वी विल मेक श्योर दैट दोज आर इम्प्लीमेंटेड मेटिक्यूलसली इन ए ग्रेट अटेंशन, वेरी थॉरली से हम इसको मतलब लागू करेंगे। सो इन दैट इलेक्शन द जनता दल पार्टी वन द इलेक्शन विद द लार्ज ह्यूज मेजोरिटी एंड द लीडर ऑफ द जनता दल मिस्टर वी पी सिंह बिकेम द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। इसी वादे के साथ कि उसको ये मंडल कमीशन पे ये नजर रखेंगे, उसको लागू करेंगे, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से, वेरी थॉरली ग्रेट अटेंशन से इसको लागू करेंगे, जो ये जनता दल पार्टी थी उन्होंने इलेक्शन जीते विद द ह्यूज मेजॉरिटी, मतलब बहुत मेजॉरिटी, बहुत ज्यादा सीटों से। द लीडर ऑफ द जनता दल मिस्टर वी पी सिंह, यानी जनता दल जो लीडर था उनकी पार्टी का वो था मिस्टर वी पी सिंह, बिकेम द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, फिर ये बन गया उस वक्त प्राइम मिनिस्टर। दैट डियर स्टूडेंट्स, इट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।